इंडस्ट्री में 70 का दशक एक ऐसा दशक माना जाता है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतिहास को नया मोड़ दिया। उस दौर में ऐसे अभिनेताओं ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा जिन्होंने अपने टैलेंट के साथ लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी। अगर हम आज के अभिनेताओं को उस दौर के अभिनेताओं से कंपेयर करेंगे तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उस दौर के अभिनेता ही बेस्ट हैं, जिसके चलते आज भी उन अभिनेताओं को याद किया जाता है। उस दौर में एक से बढ़कर एक अभिनेताओं ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा जिन्होंने फिल्मों की परिभाषाएं बदल दी। उन्होंने फिल्मों को एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया जिनका मुकाबला आज के दौर के अभिनेता नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप 70 के दशक के उन अभिनेताओं से तो भली भांति परिचित हैं। क्या उनकी पत्नी के बारे में जानते हो जो बड़ी खूबसूरत है? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। नंबर 5, शत्रुघ्न सिन्हा। हिंदी सिनेमा जगत में बिहारी बाबू नाम से प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। लगभग 250 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं ये, जिनमें ज्यादातर हिट ही हुई है। इनकी फिल्मों में ज्यादातर इनकी रोबीली आवाज में बोला गया हर एक डायलॉग फेमस हुआ, जिनमें जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये वाला डायलॉग आज भी लोग अपनी कॉमन लाइफ में बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी जानी मानी अभिनेत्री रही जिनका नाम पूनम सिन्हा था। इन्होंने दिल दीवाना, जोरू का गुलाम और जिगरी दोस्त जैसी फिल्मों में काम किया। 1980 में इन्होंने शादी की, आज तक दोनों साथ हैं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटी सोनाक्षी, 2 बेटे लव और कुश हैं। इन्होंने पूनम को एक खत पर फिल्म पाकिजा का डायलॉग अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा को लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था। इन्होंने हाँ भी कर दी। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो इस उम्र में भी ये काफी खूबसूरत है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 4, जितेंद्र। हिंदी सिनेमा जगत के जंपिंग जैक के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र ने अपने दौर में सफेद बूट पहनकर अपने साथ साथ फिल्म की हीरोइन को भी उछल कूद करके डांस करने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम शोभा कपूर है, जो कि एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है और साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर भी। इन दोनों ने 1974 में शादी की, आज तक दोनों साथ हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों के बीच उतना ही प्यार है जितना नए नए वाले जोड़े में होता है। इनके 2 बच्चे हैं, इनकी बेटी का नाम एकता कपूर जिन्हें डेली सोप्स की क्वीन कहा जाता है, और बेटे का नाम तुषार कपूर है जो एक सफल अभिनेता है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो इस उम्र में दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नंबर 3, शशि कपूर। बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्टर शशि कपूर ने 70 के दशक में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। उस दौर के पहले अभिनेता थे जिन्होंने हर बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया। अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम जेनिफर कैंडल है, जो कि ब्रिटिश एक्टर है। इनकी पहली मुलाकात 1956 में कोलकाता में हुई। उस वक्त अपने पिता के पृथ्वी थिएटर में बतौर असिस्टेंट स्टेज मैनेजर काम करते थे। उस दौरान कोलकाता के जेफरी कैंडल का शेक्सपियर ग्रुप काफी लोकप्रिय था, जिसमें जेनिफर ग्रुप की लीड एक्ट्रेस थी, जिनसे पहली नजर में इन्हें प्यार हो गया। ऐसी मुलाकातों का सिलसिला चला और दोस्ती प्यार में बदली, और 1958 में उन्होंने शादी की। शादी के बाद जेनिफर ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें हीट एंड डस्ट एंड 36 चौरंगी लेन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो खुद दिखने में बड़े स्टाइलिश और खूबसूरत है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, विनोद खन्ना। सदाबहार अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच अलग मुकाम हासिल किया। 70 के दशक में वैसे तो इन्होंने बतौर खलनायक अपने करियर की शुरुआत की थी, पर दर्शकों ने इन्हें खलनायक के रूप में पसंद नहीं किया, इसलिए इन्हें फिल्मों में नायक के रूप में काम मिलना शुरू हुआ और ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी 2 पत्नियां हैं, कविता खन्ना और गीतांजलि खन्ना, दोनों ही हाउसवाइफ हैं। इन्होंने गीतांजलि खन्ना से पहले शादी की, पर शादी के कुछ सालों बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद इन्होंने कविता खन्ना से शादी की। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो खूबसूरती के मामले में सबसे स्टाइलिश हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 1, फिरोज खान। हिंदी सिनेमा के 70 के दशक के अभिनेता फिरोज खान को सबसे स्टाइलिश हीरो कहा जाता था, और इनकी इसी स्टाइलिश लुक के लिए इन्हें काउबॉय भी कहा जाता था। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी और खूब सफलता हासिल की। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सुंदरी खान है, जो हाउसवाइफ है। इन दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां दोनों ने बातचीत की, अच्छे दोस्त बन गए, मुलाकातों का सिलसिला चला, और फिर इन्होंने एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दी और दोनों ने राजी भी हो गए। 5 साल डेट करने के बाद 1965 में इन्होंने शादी कर ली, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, फरदीन खान और बेटी फातिमा। शादी के कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की खूबसूरती की, तो दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जैसे कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेताओं में किस अभिनेता की पत्नी ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।